हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वादिवाल। आज मैं आपको शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, लड़कियों पे काफ़ी अच्छा लगेगा वेडिंग पार्टी में, ये ट्राई कर सकते हैं। या फिर ओपन हेयर रखना है तो बहुत आसानी से आप ये ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों का रिव्यू कर देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये वाला स्प्रे आप जानते होंगे, देन इसी का मैंने थोड़ा हार्ड स्प्रे मंगवाया है। तो ये दोनों स्प्रे मैंने मंगवाए हैं मीशो से, और मुझे ये वाला पड़ा है 250 का एंड ये वाला पड़ा है 190 का। और अभी ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ले लिया था। और वैसे इसका प्राइस है 220 एंड इसका है 399 का। ओके, तो ये दोनों स्प्रे मैंने मंगवाया था। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हो मुझसे कि कौन सा स्प्रे ले कौन सा स्प्रे ले, तो मैंने अभी तक यही यूज़ किया। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने दोबारा इसी को मंगा लिया। और ये बजट फ्रेंडली भी है, बहुत सस्ते में आपको बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर स्ट्रेटिंग स्प्रे मिल जाता है। तो आप अगर सस्ते में अच्छा चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। तो इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और मंगवाई थी, वाइट काजल, प्रोफेशनल प्योर वाइट काजल है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप जब किसी ब्राइडल की आंखें बहुत छोटी हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। वाइट काजल लगाने से आंखें ऑटोमेटिकली से अपर में, तो आपने ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का लाइनर लगा दिया, नीचे में भी जो वाटर लाइन से जस्ट नीचे का पार्ट होता है उसमें ब्लैक आई लाइनर लगा दीजिए सिर्फ हाफ आइज पे, एंड उसके बाद ये आप वाइट कलर काजल अप्लाई करोगे तो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत दिखेंगी। तो आप भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल पार्टी वेडिंग ओपन हेयर के लिए हेयर स्टाइल लड़कियों के लिए भी है और वुमेंस भी बना सकते हैं, न्यूली मैरिड हैं तो। और कैसे बनाना है सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि उससे मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई है तो मैं अभी एक दो दिन में मार्केट जाऊँगी तो अपनी आईब्रोज बनवा के आऊँगी, तो फिर थोड़ा अच्छा लुक आएगा मेरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से क्राउन एरिया से अपने या फिर किसी का भी आप बना रहे हो तो क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को लेना है, देन अच्छे से कॉम करना है। और कॉम करने के बाद से एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले कॉम कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे का पार्ट। तो ये जो हमारी स्कैल्प दिखती है उसके लिए आपको इस तरीके से नीचे तक थोड़ा सा पफ को लाना है जिससे कि हमारी स्कैल्प हाइड हो जाए। उसके बाद से इस तरीके से ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ पुल करना है एंड क्लिप से अच्छे से सिक्योर कर देना है जिससे कि हमारा पफ वहीं का वहीं टिका रहे और हमारी स्कैल्प भी ना दिखे। ओके, तो इस तरीके से हमने पफ लगा दिया है। और अब आपको किस तरीके से डिजाइनिंग करनी है, बहुत प्यारा डिजाइन है, ओपन हेयर के साथ बहुत अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा एंड आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। तो फ्रंट का उतना पार्ट हमने निकाल के अलग कर दिया लेयर, और इसके बाद से जो हम लोग उल्टी फ्रेंच चोटी बनाते हैं वो बनाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से नीचे की तरफ से लेयर को लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हेयर इसमें ऐड करते जाएंगे दोनों साइड से, और बहुत प्यारा सा लुक यहाँ पे बन के रेडी होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इस तरीके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा लेयर उठाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेड चोटी को बनाते जाएंगे। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से दिखे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है और नीचे की तरफ से ऐड करते जाना है, और इस चोटी को पूरा एंड तक हम लोग ब्राइड को बनाएंगे जो कि बैक में हमारा पफ है जहाँ पे क्लिप लगाई हमने वहाँ तक ये जा सके, उतना लंबा आपको चोटी को गूँथ लेना है और साइड से इस तरीके से खींच लेना है जिससे कि हमारा जो चोटी का लुक है वो अच्छा दिखे। और जो हमने हेयर छोड़ा था उसका क्या करना है वो भी अभी बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से खींचते जाएंगे और चोटी को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हम आप साथ साथ में ही खींचते जाइएगा चोटी को ताकि जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसको बैक में ले जाएंगे और हमारी स्कैल्प भी अच्छे से हाइड हो चुकी है और हमारा हेयर स्टाइल का लुक भी काफ़ी अच्छा रहा है। अब जो ये वाला हमारा हेयर है इसको हमको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। जो हम लोग खजूरी चोटी बनाते हैं ना, तो हमको यहाँ पर खजूरी चोटी बनानी है। पहले ही हमारे पास बहुत कम लेयर था, उसमें से भी आपको दो दो पार्ट्स में करके और इस तरीके से खजूरी चोटी गूँथनी है। चोटी को बिल्कुल टाइटली गूँथना है जिससे कि लुक जो है वो अच्छा आए और परफेक्ट दिखे आपको। तो इस तरीके से गूँथते जाएंगे। तो पूरा बैक तक जितनी बड़ी लंबी हमने नीचे वाली चोटी को गूँथा था उतना ही लंबा इसको भी गूँथ लेना है। और जो हमने नीचे वाली चोटी बनाई थी इसको खींचा है उसका बिल्कुल सेंटर में इस चोटी को सेट करते हुए बैक तक ले जाके क्लिप से सेट कर लेंगे। तो पूरा हमने इसको बना लिया है।
फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में दिखेगा और बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। और इस तरीके से सेंटर में इसको सेट करेंगे। अब आप यूपिन ले लोगे, छोटा वाला यूपिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो आप बड़े वाले यूपिन को जैसे मैं सेट कर रही हूँ वैसे कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे मेरा हाथ आ गया जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा, तो अभी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से लगा देंगे, अंदर ही अंदर क्लिप आपको क्लिप दिखनी नहीं चाहिए। अब बैक में इसको ले जाके इस तरीके से सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया। पफ हमारी थोड़ी सी नीचे को आ गई थी, तो उसको अच्छे से कॉम की मदद से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरीके से बनाना है, तो ये देखिए। तो चलते हैं, दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेम आपको बना लेना है। ओके, जहाँ से भी आपको अनमैनेज लगे वहाँ पे आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सेंटर से देखिए पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से करना है आपको। अगर आपको आपका जो पफ है वो थोड़ा सा नीचे को आ गया तो ऊपर की तरफ इस तरीके से कर सकते। देखिए कितना प्यारा सा लुक हमारा यहाँ पे बना रखा है। तो आपको ऊपर से थोड़ा सा लेयर लेके इस तरीके से क्लिप से सेट कर दे रही हूँ, और नीचे का थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेके आपको इस तरीके से सिंपल सी चोटी बनानी है। इसको साइड साइड से इस तरीके से खींचते जाना है और सिंपली राउंड राउंड लपेट के इसको बीच में सेंटर में ले जाके यूपिन की मदद से या फिर बॉबी क्लिप की मदद से सेट कर लेना है। अच्छे से इसको सेट करके अब जो आपने लेयर छोड़ा था उसको सिंपली जैसे हमने खजूरी चोटी बनाई थी वैसे ही बनाना है, और यहाँ पर बीच में इसको सेट करेंगे। इस तरीके से पूरा गूंथ लिया, अब इसको भी राउंड राउंड सा घुमाएंगे और बीच में ले जाके एकदम सेंटर में इसको सेट कर देंगे। इसलिए बनाया था कि इसका जो लुक है वो पूरा परफेक्ट आए फ्रंट से लेके बैक तक। अब इसको यहाँ पे यूपिन से सेट कर दूंगी, और बीच में एक रोज वाला यूपिन ऐड कर दूंगी जिससे कि इसका लुक जो है वो भी और भी अच्छा लगेगा। और ये हमारा हेयर स्टाइल लगभग कम्प्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हो। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये हेयर स्टाइल? और ये हमारा पफ थोड़ा सा बार बार नीचे आ जा रहा है, तो उसके लिए आप मैंने जैसे यहाँ पे किया एक क्लिप लेना है, पफ को ऊपर की तरफ खींचना है, देन इसको इस तरीके से कर दोगे तो आपका पफ ऊंचा हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा, और क्लिप भी आपकी हाइड हो चुकी है यहाँ पर। तो ये है वीडियो का फाइनल लुक और हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। आई होप कि पसंद आया हो। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। अगर आपको गोल्डन वाला हेयर स्टाइल चाहिए, गोल्डन वाले हेयर पर हेयर स्टाइल देखना है, तो कमेंट कीजिए ताकि मैं डमी ऑर्डर करूँ और आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आऊँ। कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो और स्प्रे भी अच्छी लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे चैनल पे जरूर जाइए। सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीति तिवारी 2 चैनल का नेम है एंड इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।